वेलकम गाइस, साहिबापुरा जो पुजारी चैनल में आपका सब लोगों का स्वागत है। मैंने बोला था आपको कि ये गाड़ी मैं उसका आपको डेमो दिखा दूंगा। इसका पहला लुक देखो, बहुत एकदम एंटिक लुक दिखता है गाड़ी का, देखने में देखो एकदम मस्त दिखता है। टॉय जैसा गाड़ी दिख रहा है अपना। गाड़ी भागने के चलाने के लिए भी अच्छा है, मैंने चलाया है गाड़ी, एकदम जॉय कंपनी का ये सबसे बेस्ट गाड़ी है। इसका आप देखेंगे पूरा जो आपका हेडलाइट प्रोजेक्टर लाइट आएगा, अपना इंडिकेटर भी प्रोजेक्ट में एलईडी में आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा गाड़ी का लुक दिखा देता हूँ पहले। ये देखो आपको ग्लो बॉक्स भी है छोटा सा, उसमें आप छोटा सा सामान वगैरह रख सकते हैं गाड़ी के लिए। इधर चार्जिंग पॉइंट दिया है गाड़ी का, ये कितना स्पेशली बनाया है देखो। ये आपका इधर से लॉक भी कर सकते हैं और इधर से भी लॉक कर सकते हैं चार्जिंग के लिए, यानी पानी जाने का ज़्यादा टेंशन नहीं है। ऐसा कंपनी ने बना के दिया है इसका लुक। की इधर दिया है, इसके साथ में ये एंटी थेफ्ट लॉक भी दिया है। डिस्प्ले एकदम एंड्रॉयड दिया है। ये अपना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला डिस्प्ले है। अभी तो फिलहाल मैं नहीं कनेक्ट करके दिखा सकता, लेकिन बता दूंगा मैं कैसा कनेक्ट करना है क्या करना है। इधर अपना ऑन ऑफ के लिए बटन दिया है, ये स्पीड का बटन दिया है देखो 1 2 3 उस पर स्पीड है। ये अपना हेडलाइट का इंडिकेटर का, ये हॉर्न का बटन है। ये अपना थ्रोटल भी देखो ज़रा, इसका दूसरे गाड़ी से थोड़ा सा इसका अजीब है थ्रोटल। सीट देखिए, सीट भी एकदम लंबा चौड़ा सीट दिया है इस गाड़ी का, दो आदमी तो आराम से बैठ सकते हो, तीसरा भी बैठ सकते हैं। पीछे का लुक देखेंगे आप, ये देखो पीछे एक टेल लाइट दिया है, नीचे रिफ्लेक्टर, ये भी एलईडी दिया है, इंडिकेटर भी एलईडी है। और इसका बाकी का गाड़ी का कैसा, एक तो साइड में रहता है पीछे गाड़ी की खोलने के लिए, लेकिन इसका देखो इधर दिया है कंपनी ने, इधर से आप चाबी लगा के डिक्की खोल सकते हैं। ये गाड़ी के बारे में बताता हूँ मैं, ये देखो मैं गाड़ी अभी चालू करता हूँ, हमारी गाड़ी चालू हो गई। देखो चालू होने के बाद डिस्प्ले कैसा दिखता है, देखो डिस्प्ले में देखेंगे आप तो डिस्प्ले में अभी पी यानी पार्किंग मोड अपना चालू है। पार्किंग मोड देखो चालू है अपना। ये पार्किंग मोड हटाने के लिए आपको इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे स्टार्टर रहता है अपने पेट्रोल गाड़ी में वैसा स्टार्टर भी है इधर। ये स्टार्ट हुआ गाड़ी, स्टार्ट होने के बाद आपका इधर स्पीड है, मैं अभी लो स्पीड पे गाड़ी चलाता हूँ, एक्सीलेटर देंगे गाड़ी चल रही है। देखो ये अपना फर्स्ट गियर पे अपना 34 का स्पीड लेगा, अब सेकंड गियर डालेंगे, अरे बाप रे 45 हो गया, अभी देखेंगे फिर थर्ड डालेंगे। ये हाइपर है 64 है 65, जब ये गाड़ी 66 और भी थोड़ा कुछ बढ़ा सकते हैं, मैं टेक्नीशियन हूँ भाई, बढ़ा के भी दे सकता हूँ, लेकिन ये 66 स्पीड तो बहुत ही, 65 बहुत ही हुआ इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए, बहुत स्पीड हो गया। ये डिस्प्ले में आप देखेंगे तो आपका स्पीड तो देखो हाइपर मोड दिया है, ये इको मोड स्पोर्ट मोड दिया है और ये इको मोड दिया है, तीन मोड दिया है ये गाड़ी में। अभी मैं आपको दिखा था वही, इधर ऊपर देखेंगे आप तो ट्रिप दिया है, यानी आपका गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आप कितना किलोमीटर चलते हो वो उधर शो करेगा। ये ODD यानी पूरा आपका किलोमीटर इधर कैलकुलेट होगा, यानी अभी तक गाड़ी कितना चला है वो दिखा देगा। और इधर देखो नीचे रेंज दिखाता है, ये गाड़ी का रेंज अपना 130 किलोमीटर है, यानी सबसे ज़्यादा है ये अपने जॉय कंपनी में, जॉय बाइक में सबसे ज़्यादा 130 है। बहुत सी कंपनी बताती है 140 है 150 है रेंज, लेकिन उतना देता नहीं, लेकिन अपना जो गाड़ी है जॉय उसका फुल गारंटी है 130 किलोमीटर रेंज देगा ही देगा। कैसा है गाड़ी का रेंज है ना, इलेक्ट्रिक गाड़ी में जो रेंज बताता है उतना गाड़ी रेंज देता है, लेकिन एक 5-10 किलोमीटर ज़्यादा आने तो 5-10 किलोमीटर कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो ऐसा है हर कौन सा भी गाड़ी लो आप उसका एवरेज है वो आपके चलाने पे बहुत डिपेंड रहता है। तो अभी देखो इधर अपना रेंज कितना बता रहा है 101 किलोमीटर, अभी अपना गाड़ी 78% पावर है बैटरी में, यानी 100% नहीं, फिर भी वो कितना दिखा रही है 101 किलोमीटर रेंज बता रही है। ये अपना किधर चलेगा, इको स्पीड पे आप गाड़ी चलाओगे तो 101 किलोमीटर गाड़ी आपका अभी जा सकता है। अभी मैं स्पोर्ट करता हूँ,
स्पोर्ट में देखो 78 किलोमीटर, 78 किलोमीटर अपना गाड़ी जा सकता है। अभी मैं थर्ड करता हूँ हाइपर, तो आपका 62 किलोमीटर गाड़ी जा सकता है। यानी आपका ये गाड़ी जो है अपना रेंज बताएगा। कभी कभी इधर आपका बैटरी पूरा चार्ज रहेगा तो पूरा आपको रेंज बताएगा। अभी देखो 76.6 वोल्ट दिखा रहा है गाड़ी बैटरी। अपना जो बैटरी है 72 वोल्ट का है। ये बैटरी अपना फुल चार्ज होने के बाद 84 वोल्ट तक अपना चार्ज होता है अपना बैटरी। यानी आपका अभी 76 6 से 8% अपना बैटरी कम है। तो ये गाड़ी अपना अभी चलेगा, नए से नए बहुत अच्छा मार्केट भी दिखने में, लुक भी अच्छा है। हेवी है गाड़ी, ऐसा नहीं कि बहुत सा गाड़ी आपने इलेक्ट्रिक का देखा रहेगा लाइट वेट रहता है, लेकिन ये गाड़ी हेवी है और एकदम मजबूत भी गाड़ी है। और आपको इधर किधर ठोकते हो तो इसको कुछ होता भी नहीं है। अभी मेरे पास हैमर नहीं है, मैरेट हैमर रहता तो मैं मार के दिखाता था। एकदम तगड़ा गाड़ी दिया है, कितना भी जोर से इसको ठोको कुछ नहीं होता। मैं बहुत ज़ोर से, मेरा हाथ दुखने लगा है। ये जो गाड़ी है एकदम मजबूत बनाया है कंपनी ने, कितना भी ठोको कुछ नहीं होता उसको। तो बहुत ज़ोर से ठोकेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन नॉर्मली समझो छोटा मोटा एक्सीडेंट तो सहन कर लेगा गाड़ी। ये पीछे का लुक देखेंगे तो ऐसा आपका दिख रहा है। देखो अभी मैं उसका इंडिकेटर चालू करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो इंडिकेटर भी एकदम मस्त दिख रहा है। अभी मैं आपको उसका डिक्की खोल के दिखाता हूँ। अभी डिक्की खोलने के लिए सेम ऐसा ही है गाड़ी। दो हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा एक मिनट में। डिक्की का पेस देखेंगे आप तो एकदम लाजवाब पेस है। मैं बोल रहा हूँ ना, इतना बड़ा बूट पेस कौन से गाड़ी में, इलेक्ट्रिक गाड़ी में, कौन से भी गाड़ी में नहीं रहेगा। ये देखो कितना बड़ा बॉक्स में निकला बाहर। एक मेरे हिसाब से एक 13-14 लीटर का बूट पेस रहेगा। और महीने भर का सामान आप इसमें से खरीद के ला सकते हो, खाना खाने का, चावल वगैरह छोड़ के छोटा मोटा सामान तो ला सकते हो आराम से। और इसको सब जगह एलन बोल्ट दिया है। ये एलन की नहीं रहेगा आपके पास तो आपका, और इसका MCB इधर दिया है। बाकी सब गाड़ी का MCB बैटरी में देते हैं, लेकिन ये गाड़ी का MCB देखो इधर दिया है कंपनी ने ऑन ऑफ करने के लिए। इधर आपका चार्जिंग पॉइंट दिया है, इधर से आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं अपना, और मोबाइल चार्जिंग को लगा के डिक्की में रख सकते हैं तो अपना धीरे धीरे मोबाइल चार्ज होता रहेगा। ये अपना चार्जर है, मिरर वगैरह नहीं लगाया है। जब भी डिलीवरी रहेगा तभी मैं आपको मिरर लगा के पूरा गाड़ी ओके होने के बाद गाड़ी का फोटो मैं आपको दिखा दूँगा। इधर आप टूल बॉक्स रख सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा जगह दिया है। ये गाड़ी के बारे में इसका रेंज तो मैंने बता दिया आपको, 130 किलोमीटर तो गारंटी चलेगी। और उसमें जो बैटरी है आपका 72 वोल्ट का बैटरी दिया है कंपनी ने। अपना जो मोटर है, मोटर में देखो एकदम चौड़ा मोटर दिया है, मेरे हिसाब से 1500 वैट का मोटर है ये, 1500 यानी 1500 वैट का मोटर है उसका। और ये देखो डिस्क ब्रेक दिया है पीछे, आगे भी डिस्क ब्रेक दिया है गाड़ी में, और इसमें आगे कॉम्बी ब्रेक दिया है। कॉम्बी ब्रेक यानी जब भी आप पीछे का ब्रेक करते हो तो आगे का भी थोड़ा बहुत ब्रेक लगेगा। और कुछ जानकारी चाहिए रहेगा ये गाड़ी के बारे में, इसका कीमत की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से अभी ये हमारे इधर तो एक शोरूम प्राइस उसका अभी हमारे इधर 1,10,000 रुपये चल रहा है ये गाड़ी का कीमत। 1,10,000 में आपको एक शोरूम और समझो रजिस्ट्रेशन वगैरह करके फुल एक्सेसरीज वगैरह लगा के
आपको एक 15, एक 16, एक 20 तक पकड़ के चलो, एक 15-16 तक पकड़ के चलो, इतने रेंज तक अपना ये गाड़ी जाएगा। तो वो भी अभी कुछ ही दिन ही ऑफर रहेगा, क्योंकि इसका जो प्राइस है एक मेरे हिसाब से 1,35,000 तक जाता है ये गाड़ी, लेकिन अभी ऑफ़र में है इसलिए थोड़ा उसका प्राइस कम है, यानी 20,000 का कुछ डिस्काउंट चल रहा है कंपनी की तरफ से, इसलिए प्राइस उसका कम है। तो जल्दी से जल्दी बुक कीजिए हमारे इधर आके, ये गाड़ी मार्केट में तो धूम मचाने वाली है ये गाड़ी। थैंक यू गाइस, कुछ क्वेरी रहेगा, कुछ और कुछ पूछना रहेगा ये गाड़ी के बारे में, तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर बता देंगे। और कुछ चाहिए रहेगा, सब पार्ट के अवेलेबिलिटी हमारे पास है, ये गाड़ी के सब पार्ट मिलेंगे, बॉडी पार्ट से लेके पूरे पार्ट हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। तो सर्विस का तो हमारी इधर से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और मेरे हिसाब से ई बाइक में तो सबसे ज़्यादा जॉय का ही बेस्ट सर्विस है, जॉय ई बाइक का, क्योंकि जॉय का इतना शोरूम है, आप देखेंगे सबसे इलेक्ट्रिक स्कूटर में जॉय का ही सबसे ज़्यादा सर्विस है। छोटे छोटे रहने दो, लेकिन बहुत सारे हैं, और जॉय का सर्विस बेस्ट चल रहा है मार्केट में। थैंक यू गाइस, कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो फ़ोन कीजिए, और हमारे ऐसे नए नए वीडियो देखने हैं आपको। ये जो सब गाड़ी आई है हमारे पास, ये सर्विस में आएंगे तो मैं उसका भी वीडियो डालूँगा आपको, सर्विस क्या क्या करना है, सर्विस में क्या क्या काम होता है, अपने कौन से पार्ट किधर लगाए हैं, पूरा गाड़ी आपको मैं गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी दे दूँगा। आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे और हम सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी हमारी तरफ से। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, बेल आइकन दबा के दबाइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।